ये स्पीच मेरा भी थोड़ा सा तबीयत जो है खराब हो गया था। लास्ट जो मैंने व्लॉग शूट किया था ना थर्सडे को, मैं खाना तो जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। कल भी थोड़ा सा हमने एक्चुअली बाहर से थोड़ा सा नॉनवेज बहुत खाने का खराब है, मतलब ये बात भी ठीक से नहीं कर पा रही है। मतलब नहीं, अभी तो फिलहाल कर पा रहे हो, कल अभी तो फिलहाल कर पा रहे, रात कल को, कल रात को तो रात को मुझे बहुत सिचुएशन। बहुत खराब लग रहा था। गुड नून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, होप ऑल आर डूइंग गुड गाइस। सो आज गाइस मतलब थर्सडे के बाद सीधा मैं आप लोग को सैटरडे मिल रही हूँ, क्योंकि स्पीच मेरा भी थोड़ा सा तबीयत जो है खराब हो गया था। लास्ट जो मैंने व्लॉग शूट किया था ना थर्सडे को, उस दिन रात को मुझे भी मतलब थोड़ा सा मतलब इवनिंग तक मुझे थोड़ा सा, मैं बोल भी रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा था, और आई डोंट नो रात तक मुझे भी फीवर आ गया था। 99 पॉइंट समथिंग के आसपास था मुझे भी फीवर, 99.89 के आसपास था। देन यार मैंने भी मेडिसिन लिया। वैसे मुझे मतलब थर्सडे एंड फ्राइडे, कल कल भी मुझे मतलब रात को नहीं आया है, कल परसों थोड़ा सा रात को आया था, थर्सडे रात को एंड फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग आया था अगेन, और फिर थोड़ा सा दोपहर को आया था। उसके बाद से मुझे और बुखार नहीं है, मुझे उतना ही बुखार आया था, बट बहुत ज़्यादा मतलब ऑल ऑफ सडन पता नहीं कहाँ से मुझे इतना सर्दी हो गया, मतलब पूरा नोज वगैरह पूरा चोक हो गया, मतलब मैं सो नहीं पा रही थी। मतलब कल रात भी मतलब मैं सोने गई, बट उसके बाद लिटरली इतना अजीब सा फील हुआ। मैं फिर उठ के मैं गई, गर्म पानी मैंने पिया, भिक्स भिक्स लगाया थोड़ा सा, फिर जाके कुछ टाइम के बाद जाके मैं सो पाई। अभी थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह पी रही हूँ, वो तो चल रहा है हम दोनों का। मतलब जिस दिन मुझे बुखार आया ना, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया कि अब भाई अब कैसे चलेगा। पिंकू तो ऑलरेडी मतलब आइसोलेट होके रह रहे हैं, अभी मेरा भी बुखार हो जाएगा, कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ मतलब मैनेज करेंगे तो कैसे करेंगे। बट मुझे उतना मतलब पिंकू के जैसा, पिंकू मुझे बार बार पूछ रहे थे तुम्हें हो रहा है क्या, बॉडी पेन वगैरह वो सब, मैंने बोला नहीं मुझे उतना वैसा कुछ इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, बट हाँ ड्यू टू दिस मुझे इतना सर्दी हो गया है ना, जो सर्दी सर्दी जैसा फील हो रहा है, नोज वगैरह चोक हो रहा है, कफ जैसा फील हो रहा है ऑल ऑफ सडन, तो ड्यू टू दिस मैं जो लिवोसिट्रिजिन होता है वो ले रही हूँ, एंड उसको लेने से ही मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है एकदम। कल शाम को मैंने लिया था, तो उसका पूरा जो लाइक रहता है ना पूरा डाउजीनेस टाइप का, अजीब सा मेरा पूरा सर भारी हो जाता है, तो उसका इफेक्ट मुझे रात को सोने के बाद भी नहीं जाता है। आज भी अभी भी मतलब मुझे वो पूरा सर जैसा हैवी हैवी अजीब अजीब सा लग रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, इसलिए मैं यूजुअली अवॉइड ही करती हूँ। कभी भी मुझे सर्दी होता है ना, मैं लिवोसिट्रिजिन लेना अवॉइड करती हूँ, बट अभी लेना पड़ रहा है, तो ऐसा ही चल रहा है। एंड आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा मैं कब आ रही हूँ, कब ब्लॉग बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि लास्ट जो ब्लॉग मैंने इससे पहले वो जो शूट किया था तो वो मैंने थर्सडे को शूट किया था, एंड ये वाला जो आज मैं सैटरडे को एकदम 2 दिन के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं और कैसे, एक तो पिंकू भी नहीं है ठीक, वो होते तो कुछ याद ही वो भी बना सकता था, एंड मैं भी ऊपर से मेरा भी ये हालत, तो क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अभी इतना भी मुश्किल है कि कुछ करके खा लो ना ढंग से, वो भी मुश्किल है। बट या आज आज कोई मतलब परेशानी है नहीं, आज लंच में बना लूंगी, मतलब खा खा के भी ना वही वाला सब, अभी नॉनवेज भी नहीं खा पा रहे हम लोग, क्योंकि अरे लाने कौन जाएगा, तो फिर आएगा ना फिर बनेगा, एंड ऑनलाइन से तो वैसे भी हमें पसंद है भी नहीं, तो आज थोड़ा सा हमने सोचा है कि थोड़ा सा टेस्ट में चेंज लाने के लिए थोड़ा सा पूरी खा लेंगे आज लंच पे, वही बनाऊंगी। एंड भैया ने बोला है कि डिनर रात को मत बनाना, वो लेके आ जाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे वो बोले मैं 2 दिन लेके तुम्हें दे सकता हूँ, 2 टाइम का खाना एटलीस्ट, क्योंकि इतना बार भी जाना आना पॉसिबल नहीं है। एक तो बैंगलोर की जो ट्रैफिक है, जो हालत है, एंड मतलब वीकडेज पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका भी ऑफिस है, तो बोल रहे थे वीकेंड पे मैं आज होगा तो शाम को वो ला के दे देंगे, वो बोल रहे थे, मैं फिर भी मना कर रही थी, मतलब क्योंकि वो बहुत परेशानी हो जाता है यार, इतना दूर से खाना लेके आना, एंड ट्रैफिक रहता है स्पेशली वीकेंड पे, ये वाला एरिया पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, एंड मेरा पूरा थ्रॉट पेन होना शुरू हो गया आज सुबह ही। मुझे कल तक थ्रॉट पेन भी नहीं था, आज सुबह सुबह मुझे थ्रॉट पेन भी शुरू हो गया, मुझे इतना इरिटेटिंग सा लग रहा था। अब भी मैंने सोचा है कि चलो फिर से जो है थोड़ा आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ, क्योंकि
पिंकू का तो मैंने बोला था, फिर आप लोग सोचे कि मैं कहाँ गायब हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट थोड़ा सा आप लोग को अपडेट कर देती हूँ कि भाई मेरा भी ये अभी ये हालत है। मतलब लिटरली बहुत ही बाहियात फीलिंग है, और दोनों का मतलब कौन किसको भाई देगा खाना बना के, कौन कैसा मैनेज करेगा, क्योंकि पहले पिंकू पूरा डिपेंडेंट थे मेरे ऊपर। जिस दिन मेरा तबीयत खराब हुआ भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि अब कैसे सब मैनेज कैसे होगा। हम लोग जो मिल रहा है खाना तो जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। कल भी थोड़ा सा हमने एक्चुअली बाहर से थोड़ा सा नॉनवेज बहुत खाने को हमें मन हुआ, तो जोमेटो से हमने थोड़ा सा ऑर्डर किया, बट वो इतना बाहियात लगा, पता नहीं अभी हमारा जो मुझे भी थोड़ा सा ना टेट वो होना, एक दिन बुखार होने के बाद थोड़ा सा अजीब सा कड़वाहट लगता है ना खाने में, इतना वो वाला टेस्ट नहीं आता है, तो अजीब सा टेस्ट लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने भाई नहीं खा पाएंगे कि बाहर। कल हमने ऑर्डर करके भी वो मतलब फेंक लिया, तो इसीलिए छोड़ दो, मतलब घर पे तो नहीं बना पा रहे हैं। एंड लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा बेटर हो जाए तो जो करेंगे। एंड भैया तो रात को खाना लेके आएंगे, इसलिए आज थोड़ा सा टेस्ट में चेंज लाने के लिए मैंने अभी सोचा है कि थोड़ा सा पूरी बना लूँगी, पूरी बना लूंगी तो हो जाएगा। एंड वो ही इतना टाइम क्या खाओगे, शाम को भी पूरी रख लूंगी ना पिंकू, चाय पूरी वो मस्त खा लेंगे, क्योंकि सुबह दोपहर शाम रात चार टाइम क्या खाओगे। जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हमें जो मिल रहा है, कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, मैगी वगैरह जो मिल रहा है, जब मैं जो बना पा रही हूँ वही खा रहे हैं, वैसे ही काम चल रहा है गाइस। तो चलो फिलहाल अभी चलते हैं, थोड़ा सा लंच बना लेती हूँ एंड फिर देखते हैं गाइस क्या करेंगे दिन भर। कुछ करने को वैसे मुझे मन है नहीं, कुछ वीडियो बनाने का, कुछ करने का कुछ भी मन नहीं हो रहा है, बट चलो अभी के लिए फिलहाल चलते हैं किचन में। सो आ गए हो गाइस किचन में, एंड प्लीज़ इग्नोर करना मेरी वॉइस बहुत ख़राब है, उसी में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और पूरी के साथ ये वाला जो सब्जी हमारा एक बनता है ना चने डाल का, साथ में आलू एंड पपाया डाल के, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, पिंकू को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो सोचा कि यही येलो पीस तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि यही बना इसको ही बना लेती हूँ। तो चने डाल भिगो लिया था सुबह, तो चलो अभी इसको पहले नमक हल्दी एंड थोड़ा सा तेज़पत्ता वो सब डाल के पानी डाल के पहले सीटी लगा लूँगी, फिर बाद में मसाला बना के नॉर्मल जैसे येलो पीस बनता है उसी टाइप का ही बनता है, पर अच्छा लगता है, इसका भी टेस्ट अच्छा लगता है। और ये बॉइल्ड होने के लिए पिठा दूंगी एंड साइड में आटा गूंद लूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा गूंद लूँगी क्योंकि पिंकू भी खा लेंगे शाम को थोड़ा सा चाय पूरी वगैरह। सो अभी ये मतलब बॉइल्ड हो गया है, मतलब पूरा बॉइल्ड नहीं हुआ है, हमने आधा ही मैंने पकाया है और आधा और दो सीटी बाद में लगा लूँगी, तो अच्छा लगता है उसका टेस्ट जो है ना बाद में सीटी लगाने मसाला में बनाने के बाद सीटी लगाने के बाद उसका जो टेस्ट होता है ना और भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने दो सीटी लगा के निकाल लिया है। अभी मसाला मतलब जैसा बनाऊँगी बना के बाद में और दो सीटी लगा लूँगी, उससे उसका टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया ना डेफिनेटली करना। तो ये नॉर्मली मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, उस पर थोड़ा सा शुगर डालूंगी अच्छे कलर के लिए, जैसे यूजुअली बनाती हूँ। एंड इस पर मैं कोई मसाला ग्राइंड करके नहीं डालती हूँ, पूरा कूट के ही डालूंगी, थोड़ा सा पहले इस पर खड़े मसाला डाल दूंगी एंड फिर जो अदरक लहसुन रहता है ना उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे कूट लिया था उसको डाल दिया, फिर थोड़ा सा बहुत ही कम मतलब चॉप्ड अनियन हाफ डालोगे भी हो जाएगा, ज़्यादा मसाले की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बस थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी, इधर उधर चला लूँगी, फिर थोड़ा सा बस ये हो जाए बाद में एक मीडियम साइज का छोटा टमाटर ऐड कर दूंगी। एंड टमाटर ऐड करने के बाद जो नॉर्मली बाकी सारे मसाला रहता है लाइक नमक हल्दी जीरा पाउडर रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर वो सब थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, और बस अभी थोड़ा इसको अच्छे से मसाले को थोड़ा सा पानी डाल के मतलब टमाटर को स्मूथ होने के लिए मतलब छोड़ दूंगी ढक के पक जाने के लिए अच्छे से। और अभी मसाला जो है भुन गया है, अभी इसी टाइम पे मैं जो बॉयल करके रखा था हमने चना दाल एंड सब्जी वो सब को इसमें ऐड कर दूंगी, फिर टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा मतलब बैलेंस करके जितना भी आपको सॉल्ट डालना होगा चख के, अगर ठीक नहीं होगा तो और थोड़ा सा ऐड करके, अभी फिर इसमें थोड़ा सा बस गर्म मसाला एंड थोड़ा सा रोस्टेड जो जीरा पाउडर होता है ना वो एंड ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया पत्ता वो सब डाल के बस अभी इसको सीटी लगा के छोड़ दूंगी, बस ये बन जाता है बहुत सिंपली जल्दी से इजी वाला। तो ये हो गया, अभी चलो फटाफट से दूसरी साइड में पूरी भी बना लेते हैं। और आज पिंकू को मन था कि थोड़ा सा वो अजवाइन वाला अजवाइन डाल के पूरी बनता है तो वो खाने का मन था, तो वही बनाया था। एंड ये अच्छा भी है ऐसे ना, एसिडिटी वगैरह भी नहीं होता है, तो वही बनाया था।
तो चलो ये बना लेते हैं फटाफट, लंच करते हैं और फिर गाइज थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड मैं सीधा गाइज आपको मिलती हूँ शाम को। गाइस, तो शाम हो गया है अभी और यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही है। देखो ये क्या कर रहे मुझे कुछ खाने को मन हो रहा है, चटपटा ही हमेशा वही देख रही हूँ। तो आप लोग मोमो देख के खाए ऐसा ही मतलब शौक मत हो जाना कि भी हम लोग दोनों साथ में हैं बोल के, बट अभी तो ऐसा ही मतलब फिलहाल सिचुएशन ऐसा है कि सौम्या को भी तबीयत खराब है, सौम्या को भी लग रहा है कि क्योंकि कोविड हो गया जब मुझे बुखार आया तो पिंकू बाहर आके पिंकू ने सब कुछ किया, तो ऑब्वियसली है। बात है, तो कैसे तो मैनेज कैसे करें। मैनेज तो करेंगे, तो हम लोग दोनों ही आइसोलेट हो गए, मतलब हम पर लोग एक साथ आइसोलेशन अभी एक अलग साथ अलग में अभी, और कैसे कैसे हो। मतलब मैनेज हाँ करेंगे, तो एक साथ में आइसोलेशन हो वैसे भी गया। पिंकू अभी तो, आप तो हाँ मैं पिंकू अभी का तो वो, ऑलमोस्ट लाइक ठीक हूँ मतलब। हाँ मतलब बट हाँ उनका कॉल आ रहा है ना बीबीएमपी के तरफ बीबीएम के से। तरफ से कॉल आ हाँ रहा है, वो वही राइट। आइसोलेशन का होता है ना टाइमिंग, टाइम फ्रेम वो जो होता है 7 डेज का समथिंग लाइक दैट होता है, पिंकू तो वो वो रोज बोला रोज था कॉल कि आता है। 14 को उनका खत्म हो जाएगा। यस 14 को खत्म हो जाएगा, तो अभी इसलिए हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी थोड़ा बात कर लेता हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं। यार इतना दिन से हम लोग ठीक से एक्चुअली वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, पता नहीं कैसे चल रहा है क्या चल रहा है लाइफ में अभी। मतलब 7-8 दिन हो गया ना, 7 डेज कंटिन्यूअसली राइट। 7 डेज नहीं हुआ है अभी, फाइव हाँ फाइव 5 दिन हुआ, पाँच पांच छः दिन छह हाँ दिन 5-6 दिन हो गया है ऐसा ही मंडे को मतलब। आया था आपको, आज सैटरडे और इसका टोन आप देख के आपको है। समझ में आ गया होगा कि इसका भी कैसा तबीयत खराब है, पांच मतलब दिन ये पांच बात दिन भी ठीक से नहीं कर पा रही है, मतलब नहीं, अभी तो फिलहाल कर पा रहे हो। अभी तो फिलहाल कल कर पा रहे, रात कल को, कल रात को तो रात जो को मुझे बहुत सिचुएशन, बहुत खराब लग रहा और था। ये सिचुएशन में ना गाइज ना मैं बाहर जाके थोड़ा कुछ लेके आ पा रहा हूँ और मैडम मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि मैं नॉन वेज नहीं मुझे खा पा नहीं रहा हूँ, नॉनवेज मटन नहीं खा पा रहा हूँ, मटन नहीं, चाहिए मटन मेरे को चाहिए मटन मेरे को मटन चाहिए। मैं बोला ठीक है एक काम करता हूँ और 2-3 दिन वेट कर लो नेक्स्ट वीक में, नहीं तो मैं मटन ले आऊंगा और क्या, बट ऐसा ही चल रहा है और थोड़ा क्या करे। और आज मेरा रात को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि भैया तो खाना लेके आएंगे, तो मेरा मेरा सॉर्टेड है। रात को मेरा आज कोई काम नहीं है, हाँ भैया आज मैं तो थोड़ा सा रेस्ट करूंगी आराम से बैठ ऐसे के। भी हम लोग अभी रेस्ट ही कर रहे हैं पूरा दिन राइट दे रात, कब नहा रहे हैं कब नहीं नहा रहे हैं। मैं तो नहीं नहा रहा हूँ, मैं तो 2-3 दिन हो गया नहीं नहाया हूँ और मेरे को पता नहीं चल रहा है, बट क्या कर रहे हैं ऐसा ही चल रहा है। तो एक्चुअली बहुत ज्यादा सर्दी हो गया, ठंडा इतना ज्यादा हो गया, अभी मतलब आपका काफी बेटर, बेटर पिंकू पिंकू का बहुत कफ हो गया था बहुत ज्यादा, बेटर फील पर कर रहा एक हूँ। मेडिसिन लेने के बाद वो अभी क्या मेडिसिन था, हाँ इनका जो पापा ने बोले थे वो मेडिसिन, तो क्या कुछ वो 600 समथिंग कुछ था है क्या था हाँ जो भी हो मतलब टेबलेट वो पानी में मतलब तो इनो टाइप का है, करके इनो टाइप ऊपर का है ही टेबलेट रहता है। हाँ टेबलेट हाँ रहता है तो अच्छा है, लेकिन वो चला जाता है कफ। सोही तो चलो, आपको कुछ खाना है? आप क्या मंगा रहे हो मैं एक मोमो अभी, खा ऐसे ही चल रहा है मतलब यहीं पर बैठ के रही क्या करेंगे, हूँ मतलब जोमाटो में ये देखो वो देखो कुछ खाने के लिए मन कर रहा है तो। करने के लिए कुछ भी नहीं है, बाहर ना जाके घर पे ऐसे बंद होके बैठे रहना, वो भी हम दोनों के लिए, ये वो तो टफ है मेरे लिए, हाँ तो ये टफ था सबसे एक्चुअली, ज्यादा बट ठीक टफ है है। चलेंगे, ये टाइमिंग मैं टाइमिंग मतलब है। वेट करूँ कब, किस दिन हम बाहर जाएंगे? 15 को हम लोग निकलेंगे, 14 को इनका आइसोलेशन खत्म हो रहा है, फिफ्टीन को तो जाएंगे, वो पहले से कब बोल दिया है 15 को जाएंगे, होगा? 14 को आइसोलेशन खत्म हो रहा है, तो चलो फिर कुछ देखते हैं जोमेटो से, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो मंगाएंगे और और क्या। गाइस ये देखो शाम का कितना मस्त वाला व्यू है, जस्ट अभी सनसेट हो ही रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना हाँ उस अभी सब तरफ, तो अब ऐसे ही मतलब सब बहुत, सुंदर ही लगेगा हमको यहाँ पर, क्योंकि अब हम लोग बेचारे कहीं घर नहीं से जा पा रहे, बालकनी, घर से बालकनी से बालकनी से घर, घर। ऐसा ही चल रहा है लाइफ। बट नहीं गाइस सीरियसली सबको मतलब बड़ा सा थैंक्स, क्योंकि यस इतना लोग गेट वेल सुन सब बोले हैं स्पेशली पिंकू के लिए। हाँ यस मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए, तो यस अभी से सौम्या के लिए भी बोल देना आप लोग, क्योंकि सौम्या के भी तबीयत तो खराब हो गया है तो किसी को पता नहीं था ना, अपडेट नहीं मिला था, तो अभी सौम्या का भी तबीयत खराब है तो उसको भी बोल देना कि गेट वेल सुन बोल के नहीं नहीं सौम्या बोलेंगे भी तो भी चलेगा, आपको बोला ना वही उतना काफी है। क्या हो रहा है, कुछ नहीं, तो ठीक है क्या गाइस, तो थैंक यू सो मच, है? अभी तो एटलीस्ट आपके मतलब दुआ हो, क्या बोलते हैं गुड विशेस। हाँ गुड विशेस से मतलब अभी तो एटलीस्ट ठीक हूँ मैं, तो यस सब कुछ ठीक है मतलब इतना तो अभी मतलब अच्छा लग रहा है। अरे अभी अभी और कुछ वैसा पिंकू को तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे थोड़ा हाँ बहुत, थोड़ा बहुत हाँ कॉफ है, वो कॉफ जाने के टाइम मतलब वो थोड़ा मतलब जब तक है वो थोड़ा लग रहा बहुत है कि अंदर स्लाइट, से हाँ स्लाइटली, वो बट रहेगा। हाँ वो मेडिसिन खाने के बाद वो चला जाएगा, तो ठीक है
इसके साथ क्या वीडियो एंड करेंगे यहाँ पर? यस यस, वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं गाइस। पता नहीं भैया कब तक आएंगे, वो आएंगे वो आएंगे तो डिनर हम करेंगे, तब तक मच्छर बहुत है गाइस, मच्छर बहुत है, हम लोग खड़ा भी नहीं हो पा रहे, जल्दी जल्दी वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत करके तबीयत खराब में भी बना रहे हैं, चैनल पे नए हो पर विजिट करो देन मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल मत भूलना, उसका निकल रहा है तो मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना, आपका बहुत निकल रहा है क्योंकि आगे से जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिलेगा। यस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चिल देन, टेक केयर, बाय बाय। एंड यहाँ से देखो वैसे लग रहा है ना कि हिल स्टेशन है पीछे, लग रहा है ना वो वाला काला बादल, पूरा बादल, हाँ हाँ लग रहा है कि बारिश हो।